आप हमारे शहर में हैं जुबैदा बेगम, हुकुम करें। नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। आर यू टू कैप्टन तराना? थैंक यू सो मच टू कैप्टन तराना। बहुत अच्छी टाइम डी स्ट्रेस एक्टिविटी। घबराना नहीं है, लोग बड़े टेंशन में है, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमें घबराना नहीं है। कि अभी माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकती है ना इस गर्ल्स, तो आप कभी भी नहीं घबराती हैं। फिल्म अच्छी थी, लाइट एंटरटेनिंग भी थी और थोड़ा सा मैसेज भी था इसमें। सूरत हाल कुछ भी हो लेकिन आपने फाइट बैक करना है। हमें तो हमारी एक मजबूरी इस शहर में खींच लाई है। मजबूरी? आप हमारे शहर में है जुबैदा बेगम, हुक्म करें। नहीं, आपको जहमत होगी। खिदमत होगी हमारे लिए। खुद गर्ज नहीं है हम, आप दिल की बात कर रहे हैं और हम काम की बात करें, मुनासिब नहीं लगता। अपना घर बनाने की ख्वाहिश थी उनकी। जब वो प्लॉट बेचने कराची आए तो पता चला कि उनके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया। लाख कोशिश के बाद भी वो प्लॉट वापस हासिल ना कर पाए और इसी दुख के साथ अपनी ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। घबराना घबराना नहीं है। इस फिल्म का टाइटल जो है क्या था? घबराना नहीं है। आपने क्या देखा? हमारे पूरे कल्चर को यहाँ दिखाया और एक एक चीज को इतना इतनी के साथ और इतनी मोटिवेशन के साथ। रियली आई एंजॉय और मैं सबसे कहूँगी घबराना नहीं और यहाँ आना है। ये फिल्म जब देखे तो पॉपकॉर्न जरूर खाइएगा। यस ऑफ कोर्स, वो तो बनता है, बनता है। तो हमने बहुत एंजॉय किया। अभी आप बताइए कि इसमें एक माफिया को भी शो किया गया है। कोई भी काम जो है वो नाकाम नहीं होता और आपको हर काम डट के करना चाहिए, लड़की हो या लड़का। हमारे यहाँ जो एक कल्चर है कि कॉन्सेप्ट बनाए कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। घबराना नहीं है क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत आगे हैं। घबराना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, और हम घबराए नहीं, इसीलिए मूवी देखने आए और हमने बहुत इन्जॉय किया। सबा कमर, यू रॉक डार्लिंग, और आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बिल्कुल नहीं घबराती हैं आजकल की लड़कियाँ, डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। और आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आप में और करेज आएगी। सनी सिनेमाज क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी मूवीज आ रही है, आप अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म के लिए वाकई क्या कहेंगे कि मूवी को क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्या वॉच करें? आप सबको मैसेज दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपने घबराना नहीं है, घरों से निकले मिस बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल मिस करेंगे तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो प्लीज आप इसको जरूर देखें, इसको वॉच करें। कीप वाचिंग पाकिस्तानी सिनेमास, कीप वाचिंग पाकिस्तानी मूवीज, कीप सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। बिल्कुल, आप इंडिया की तरफ भागते हैं, इधर पहले अपनी फिल्मों को तो देखो, फिर हम घबराएंगे नहीं। क्या घबराएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे कराची में हमारे बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो कि घबराना नहीं इनकी लॉन्चिंग है, जिसकी बहुत बड़ा अच्छा इंतज़ाम और मैं समझिए बहुत ज़्यादा क्राउड है इस वक्त हमारे पास से मोइन अख्तर जो हमारे स्टेडियम है वहाँ पर। नहीं, ये न्यूप्लेक्स है, ये न्यूप्लेक्स है। यहाँ पर मैडम तराना जो कैप्टन है, इनकी बहुत एफर्ट है और इनकी बड़ी कोशिश है और मैं समझ बहुत सब ने इन्जॉय किया। और इस फिल्म में हमने सिर्फ इन्जॉय नहीं किया बल्कि हमने सीखा है। एक माफिया को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है कि जो आजकल हमारे पाकिस्तान में कराची में माफिया चाइना कटिंग के हवाले से। मैडम, आप इस फिल्म में क्या सबक होना चाहिए हम लोगों के लिए, हम क्या सबक सीख सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए किया था कि आजकल आपको पता है हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लोग बड़े टेंशन में हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए। और ज़ाहिर है मैंने ज़्यादातर कोशिश यही की है कि कुछ अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ जो होती हैं वो आएँ, जो कि सिनेमा में आ नहीं सकते हैं, हमने उनको इन्वाइट किया। साथ में हमने अपने कुछ गेस्ट और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया ताकि वो लोग भी ये देखें और इसी तरीके की एक्टिविटीज़ वो लोग भी करवा सकें अपने लोगों के लिए। बेसिकली ये जो मूवी है इसमें मुझे जो ओनर हैं ये न्यूप्लेक्स के जमील बेग साहब, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, तो हमने जॉइंट वेंचर में ये काम किया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मूवी है घबराना नहीं है, इसमें बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने ये बताया कि जो ख्वातीन है वो किसी से कम नहीं है,
ठीक है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि वो पेरेंट्स होते हैं, ये घर वाले होते हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि उनका जो बेटा है वो आगे बढ़े और वही सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन इसमें एक बेटी ऐसी दिखाई गई है जिसने बेटी ने वो बेटे जैसा काम करके दिखाया। और मैं ये समझती हूँ कि मैं खुद भी एक पायलट हूँ और मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे ऊपर जो है वो इतनी मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया जो मैं आज इस यहाँ पर इस मकाम पर मौजूद हूँ। और अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है और ये मेरे पास मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली का सपोर्ट है कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये सारी मेरी टीम है, ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मेरे साथ होते हैं, मेरी टीम है और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। मैं चाहूँगी कि और सब लोग भी आगे आएँ और काम करें। लड़की होना इस फिल्म में इस चीज़ को नुमाइंदगी करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ ये फिल्म ही नहीं, ये बेटी होने का फ़ख्र भी है। और मेरे पास एक ऐसी बेटी खड़ी है जो उस वक्त में जो बहुत कम इस फील्ड में एज ए पायलट हमारी आया करती थी, इनके माँ बाप ने एक बेटा बन के और वाकई इन्होंने बेटा बन के दिखाया है। मैं आज ऐसी खातून के साथ खड़ी हूँ जो कि रोटरी क्लब की डायरेक्टर हैं और हमेशा से सरगर्म रहती हैं अच्छे कामों के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करती हैं। और इस किस्म की फिल्म जो घबराना नहीं है, ये एक पॉजिटिव फिल्म है, ये यहाँ पर आई हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र है कि ये हमसे बात कर रही हैं। मैडम आप प्लीज़ हमें तारुफ कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशा राशिद है और मैं इवेंट डायरेक्टर हूँ रोटरी क्लब स्काई पायलट रोटरी क्लब की। कैप्टन तराना के साथ एज अ टीम मेम्बर हम काम कर रहे हैं एंड आई एम अ ब्यूटिशन एंड आई हैव माई ओन ब्रांड ऑल्सो, कॉस्मेटिक्स ब्रांड। सो इस फिल्म के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हालात चाहे जैसे भी हों हमें घबराना नहीं है। और जो ये हमने फिल्म में देखा कि कैसी भी मुश्किल तरीन सिचुएशन थी, लेकिन जब आप अज़म कर लेते हो किसी काम को करने का और घबराते नहीं हो तो वो चीज़ पाए तकमील तक पहुँचती है। और रास्ते सही होने चाहिए क्योंकि कुछ नेगेटिविटी इसमें कुछ चीज़ें नज़र आई, बट पॉजिटिव वे में अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हो तो वो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक पॉजिटिव वे में काम करें। तो मेरा तो ये मैसेज है। ख़वातीन चाहे तो हम क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी है। और अभी तो माशाल्लाह ख़वातीन काफ़ी बोल्ड हो गई हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं, उन्हें पता है कि वो अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकती हैं पॉजिटिव वेव से। फ़ख्र किया बेटियों पर, बहुत बहुत फ़ख्र किया क्योंकि हम लोगों में यह है ना कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर लोग बेटों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये मर्द है, लड़का है तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकती हैं ना इस फील्ड में, वो बन के दिखा सकती हैं अपने माँ बाप को, एक मिसाल बन के दिखा सकती हैं। जैसे हमारी कैप्टन तराना हैं जो पायलट हैं हमारी, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं और वो इसी तरह से उन्होंने ना ये शो अरेंज करवाया। हम आज सब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड है और बहुत इस फिल्म को हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने कम्प्लीट देखी है फिल्म। मेरे पास ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने इस फिल्म को बहुत इन्जॉय किया। आपको कैसा लगे अपना तारुफ कराइएगा। जी मैं हुमा खान हूँ, गार्डन की प्रेसिडेंट हूँ खुद अपने क्लब की रोटरी की, और तराना हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं और माशाल्लाह हम इनको दोस्त अपनी जगह हैं, लेकिन ये इनके अंदर सबसे एक जो बेस्ट क्वालिटी वो ये है कि ये कुछ डिफरेंट कुछ नया करके लेकर आती हैं सामने। तो आपको पता है कि इतना टाइम लोगों के पास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्टन तराना की वजह से आज हम लोगों ने टाइम निकाला और आज ये मूवी को हमने इंजॉय किया। इट्स अ वंडरफुल, वेरी नाइस मूवी, इट्स अ फैमिली मूवी। और इसमें स्पेशली जो बेटी का किरदार इसमें था वो यही था, इसमें एक मैसेज के बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती बल्कि बेटों से बढ़कर होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हमारी पूरी फीमेल्स जो है ना जो कर रही हैं, आज हम प्राउड हैं, आज हम फख्र कर रही हैं कि हम सब महसूस कर रही हैं बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लगा तो आई रियली एंजॉयड अ लॉट। घबराना नहीं है ये टाइटल था इस फिल्म का और हमने वाकई घबराना नहीं जब हमने ये फिल्म देखी है। तो मेरा ख्याल है कम से कम लेडीज़ को, जितनी भी लेडीज़ है, गर्ल्स को आप घबराना नहीं है। आज आपने क्या महसूस किया सर? वैसे मैं ही कहूँगी कि गर्ल्स तो आप कभी भी नहीं घबराती हैं, वो बोलते हैं घबरा घबरा देती है किसी को लेकिन हम यहाँ पर आज न्यूप्लेक्स में आए हैं घबराना नहीं मूवी देखने के लिए। बहुत इन्जॉय किया सुबह सुबह के टाइम पर, कहते हैं ब्रेकफास्ट हमारे लिए तो हम मीडिया के दौर में बड़ा मुश्किल होता है निकलना सुबह, लेकिन सुबह में बड़ा इन्जॉय किया। और कैप्टन तराना जो है इसकी मतलब क्रेडिट उनको जाता है। और हमने यहाँ और वैसे स्काई पायलट के हवाले से भी बहुत
सारा काम कर रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कैप्टन तराना को, जिस काम में भी हाथ डालती हैं माशाल्लाह कामयाबी भी होती है और अपने से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करती हैं। इनके हर काम इस तरह से होते हैं, वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करती हैं, और इसलिए हम भी इनके साथ हैं। हम रोटरी के इनके ग्रुप में स्काई पायलट में हैं और कैप्टन तराना के कदम ब कदम साथ चल रहे हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर डॉक्टर्स फीमेल नजर आ रही हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं भी आज बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग अच्छा ऐसे गैदरिंग में ये होता है कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, और वैसे तो इतना बिजी लाइफ है तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन इस तरह की गैदरिंग में मिलके मुलाकात करके एक अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। जी क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह का प्रबंध माहौल चल रहा है, उसमें तो मैं कहती हूँ चाहे कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, बिल्कुल घबराना नहीं। इस फिल्म में जैसे कि हम देख रहे थे बहुत अच्छी फिल्म थी और मैं इसकी तारीफ करती हूँ, घबराना नहीं है। मैं आज ऐसी खवातीन खड़ी हूँ जो हमारी कराची की जान पहचान है, जो हर इवेंट्स में शाना बशाना होती हैं मैडम तराना के साथ, और मैडम का फ़ख्र है कि ये जब ऐसी लेडीज़ इनके साथ होती हैं मैडम तराना शेर से सवा शेर बन जाती हैं। तो आज हमें जो फिल्म है हमने देखी है, हमें क्या घबराना चाहिए? हाँ नहीं, घबराने से तो कुछ होता नहीं है, इंसान को स्ट्रांग रहना चाहिए। और वैसे भी अभी जैसे उन्होंने बात की, आजकल जो हालात हैं उसमें इंसान को जाहिर है अपने आप को एक कंपोज रखना है, उसका फाइट करना है हमें। और फिल्म अच्छी थी, लाइट एंटरटेनिंग भी थी और थोड़ा सा मैसेज भी था इसमें लोगों के लिए। तो इस तरह की जैसे है एक्टिविटीज़ में मज़ा भी आता है इंसान को, सोशलाइज़ भी करता है, और लोगों को जो नहीं निकलते घरों से, यू नो अक्सर लोग नहीं आते इन सिनेमाज़ में देखने के लिए बिकॉज़ दे कांट अफोर्ड, तो उनके लिए भी एक मौका था। तराना ने बड़ा अच्छा अरेंज किया, माशाल्लाह से टर्नओवर बड़ा अच्छा रहा। जो माफिया है इसको भी इंडिकेट किया है कि माफिया कैसे कैसे हमारे चाइना कटिंग की सूरत में हमारे लोगों को, गरीब लोगों को तंग करती है, तो ये उसका भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है। आप क्या समझती हैं, ये जरूर अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था कि ना आप उन्होंने बोला कि इन जैसे लोगों से घबरा के और डर के इंसान अपना हक नहीं, हक जो छोड़ देता है अपने हक के लिए फ़ाइट, जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई आपको तैयार नहीं होगा आपका हक देने के लिए। तो ये एक मैसेज था कि भाई सूरत हाल कुछ भी हो लेकिन आपने फ़ाइट बैक करना है, तो ये एक तरीके का मैसेज। प्यारा आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप कि हमें माफिया के साथ के सामने भी डट के रहना चाहिए, हमें माफिया से भी लड़ना चाहिए, उनसे घबराना नहीं है। आप ये क्या? बिल्कुल क्या कहें ना, किसी से भी डर के किस खुशी में बैठ जाएंगे, अपना हक जो है एक इंसान का वो क्यों छोड़े? आप जब तक फाइट नहीं करेंगे कोई आपको तश्तरी में रख के कुछ भी नहीं देगा, तो इससे ये मैसेज तो मिलता है। आज मैं मोइन अख्तर एकेडमी में खड़ी हूँ और यहाँ बहुत खूबसूरत जो एक लॉन्चिंग हुई है मैडम कैप्टन तराना के कोशिशों से, काविशों से, आज हमारे यहाँ लॉन्चिंग थी घबराना नहीं है, और इसको आप देखिए वॉच कीजिए, घबराना नहीं है, बड़े दिल और जड़ी जान से इसको देखिए, बड़े से देखिएगा। और ये मेरा जो सब्सक्राइब, मेरा जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किए करना, RDG ग्लोबल टेलीविज़न यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। कैसी लगी? बहुत जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी। कैसी लगी मूवी भाई, जरा जोर से, जरा भाई पावर। हाँ चलें बताएं। Awesome! Thank you to Captain Tarana. हाँ कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? Full experience. Thank you so much to Captain Tarana. बहुत मजा आया। कैसा लगा? Great Captain Tarana. कैसी लगी मूवी, जरा जवाब भाई। बहुत अच्छी, thank you. We had fun. हाँ कैसी लगी? थैंक यू सो मच शाइन।
भी हम फिल्म देख कर आए हैं, घबराना नहीं है। और इसमें वाकई हमें घबराना इसलिए भी नहीं था कि हमारी फ्री की हमें टिकट कैप्टन तराना ने दी थी, इसलिए हम उसकी बात लिहाज से, पैसों के लिहाज से भी नहीं घबराए। और फिल्म भी एक वन थी जो वाकई रियली एंजॉय किया, और फ्री में हमें इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी दी, पॉपकॉर्न भी दिए और रिस्पेक्ट भी दी। और थैंक यू टू न्यूप्लेक्स, थैंक यू कैप्टन तराना, और थैंक यू फॉर द न्यूप्लेक्स। आप क्या बोलेंगी, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। बिल्कुल आजकल के जो करंट सिचुएशन चल रहा था, किसी ना किसी पॉलिटिशियन का जहन के अंदर चल रहा था, सेम जस्ट लाइक जो भी हो रहा है। आपने बहुत अच्छा लगा, कैसी लगी मूवी, कैसा लगा आप लोगों को? तो एक कैप्टन तराना के लिए कोई नारा शारा भाई? कैप्टन तराना सो ग्रेटफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाहिद आपके साथ कौन कौन आया था? जी मेरे साथ माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड माय डोमेस्टिक्स, माय ड्राइवर, माय कुक एंड माय गार्ड, एंड दे ऑल एंजॉयड थॉरली एंड दे आर सो ग्रेटफुल, एंड माय सेल्फ इज आल्सो टू कैप्टन तराना। May God bless her and I love her, love her. How was the experience? Lovely experience. Lovely. कैसा लगा भाई? कैसा लगा? Thank you so much. न्यूप्लेक्स का भी थैंक यू करें, उन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम लोग देख सकें। कैसा लगा? Thank you Captain Tarana, Shaheen Sarang and many more. It was very good experience, a good de-stress activity. Thank you. कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। मुझे लगता है थोड़ी सी लेंथी थी, अदरवाइज बिल्कुल ठीक ठाक थी। You can watch it once in a lifetime. Thank you so much. कैसे रहा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन तराना ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज है, और इन्जॉय किया हम लोगों ने। फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत मज़ा आया, और उनको मैं थैंक यू भी कहूँगी। लेते और आते हैं, सच था ये अच्छा ऑर्गेनाइज था, पॉपकॉर्न ड्रिंक सब था, थैंक्स टू कैप्टन तराना प्रिविलेज का एंड वॉलेंटियर्स, स्पेलबाउंड इवेंट्स, शाहीन सर, थैंक यू।